अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वली राज खान और आप लोग देख रहे हैं टेक्नो वली यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं पेपाक डेबिट कार्ड्स के बारे में। अब पेपाक का आपको लोगो देखने को क्यों मिलता है, इसकी क्या कुछ डिटेल्स है, तमाम डिटेल्स आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपके ज़्यादातर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होते हैं उसमें आपको इंटरनेशनल पेमेंट गेट्सवे के जो है वो लोगो देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल वीज़ा के और मास्टर कार्ड के। मगर कुछ अर्से से आपको पेपाक के डेबिट कार्ड्स भी पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं। तो पेपाक असल में काम क्या करता है, क्या मतलब कहाँ की कंपनी है? तो दोस्तों पाकिस्तान की कंपनी है पेपाक, जो कि वन लिंक आपकी जो पाकिस्तानी कंपनी है, जो कि पेमेंट गेटवे है। जितने भी आपके डेबिट कार्ड्स जो रन कर रहे हैं पाकिस्तान में वो वन लिंक के थ्रू ही रन कर रहे होते हैं या एम नेट के थ्रू जो है वो रन कर रहे होते हैं। लेकिन ज्यादातर जो डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, वो आपके वन लिंक के थ्रू जो है यहाँ पर अपनी पेमेंट जनरेट करते हैं। तो दोस्तों जो वन लिंक की कंपनी है वो भी पाकिस्तानी कंपनी है, जो कि आप प्राइवेटाइज हो गई है। 2017 में प्राइवेटाइज इसको कर दिया गया था। तो पाकिस्तान ने सोचा कि वो भी अपनी यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट के लिए जो है एक पेमेंट गेटवे पेमेंट सिस्टम लॉन्च करे। तो दोस्तों सारी पेमेंट जो है वो वन लिंक के थ्रू सपोर्टेड होती है, मगर उसके साथ पेपाक को मर्ज कर दिया गया है। तो वन लिंक के जितने भी डेबिट कार्ड्स हैं जो सिर्फ वन लिंक को ही सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर आपको पेपाक का जो है वो लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि एक पाकिस्तानी कंपनी है। वन लिंक के साथ ये मर्ज हो चुकी है और इसमें आपको जो चिप देखने को मिलती है, आजकल जितने भी आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड्स हैं उसमें चिप जो है वो स्टेट बैंक की जानिब से लाजमी करार दी गई है आपकी इंक्रिप्शन के लिए। इंक्रिप्शन के बारे में आपको नहीं पता तो मैं आपको इधर ऊपर लिंक दे दूंगा, वो आप वीडियो देख सकते हैं। इंक्रिप्शन के बारे में मैंने आसान अल्फाज में आपको जो है वो समझा दिया है। तो दोस्तों पेपाक के डेबिट कार्ड जो है वो 2017 में जो है वो इनिशियली यहाँ पर रिलीज किए गए थे और अब तक जो है तकरीबन 37 बैंकों ने इसको अपना लिया है और जितने भी आपके छोटे बड़े अकाउंट्स हैं उसमें आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाती है आपका पेपाक डेबिट कार्ड के। बाकी डेबिट कार्ड्स के मुकाबले में इसकी जो पेमेंट है वो भी कम होती है और इसकी जो चिप में टेक्नोलॉजी लगी हुई है, मतलब जो चिप सपोर्ट करता है सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर है प्योर कंपनी की जानिब से, जिसको नाम भी प्योर का दिया गया और ये भी वन लिंक की जानिब से ही सॉफ्टवेयर है। तो जितनी भी आपकी इंक्रिप्शन वगैरह होती है वो तमाम जो है इस चिप के थ्रू होती है, जिसको प्योर का सॉफ्टवेयर यहाँ पर रन कर रहा होता है। तो दोस्तों मार्केट शेयर की बात कर ली जाए पेपाक की, तो पेपाक के जो अभी तक जो है वो तकरीबन 10% शेयर्स हैं मार्केट में। सबसे ज़्यादा जो है वीज़ा के शेयर्स हैं पाकिस्तानी मार्केट में तकरीबन 40%, और बाकी जो मास्टर कार्ड है आपका उसके 25% है। बाकी यहाँ पर यूनियन पे के भी कुछ जो है वो 5-6% यहाँ पर शेयर्स मार्केट में आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों पेपाक यहाँ पर एक डोमेस्टिक आपका पेमेंट गेटवे है, जैसे कि इंडिया में रुपए के नाम से आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इंडियन फॉलोअर्स हैं, आप देख रहे हैं वीडियो, तो आपके कंट्री में जो है रुपए के नाम से है, पाकिस्तान में पेपाक के नाम से है, जबकि चाइना में जो है वो यूनियन पे के नाम से उनका अपना डोमेस्टिक यहाँ पर गेटवे है। तो अब जो पाकिस्तान और इंडिया के पेमेंट यहाँ पर गेटवे हैं, रुपए हो गया, पेपाक हो गया, ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कंट्रीज अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप नहीं हुई सही तरीके से। जबकि चाइना आपको पता है कि सुपर पावर बनने जा रहे हैं अगले 5-7 साल में, तो उसका जो पेमेंट गेटवे है वो काफी ज्यादा ममालिक में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर उसको जो है सपोर्ट दी गई है बनिस्बत हमारे पेमेंट गेटवेज की। तो यूनियन पे जो है वो काफी ज्यादा कंट्रीज में सपोर्टेड है, मगर फिर भी अगर मार्केट की पूरी बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो शेयर्स हैं वो वीजा के हैं और उसके बाद मास्टर कार्ड के हैं। तो दोस्तों आई होप कि पेपाक के रिगार्डिंग आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपकी कोई क्यूरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको बर वक्त जवाब दूंगा। मिलता हूं हमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।